अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल अहद और आज मैं रीजनल लाइन को अपना एक बिजनेस मॉडल समझाना चाहता हूँ। बेसिकली हमारे पास ऑलएक्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं। इनमें प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे पास एक सेलर होता है, एक बायर होता है, लेकिन इसके दरमियान में एक मिडल मैन नहीं होता जो कि इनके दरमियान में इंश्योर करे कि बायर सेलर को सही पैसे देगा और सेलर बायर को सही प्रोडक्ट फराहम करेगा। तो इसलिए हमने एक प्रॉब्लम को एक सोल्यूशन में बदलने की कोशिश की। हमारे पास एक प्रोडक्ट होता है और वो सोर्स के पास जाता है और बायर उसे खरीदता है, विच इज ओलेक्स मॉडल, जिसमें हमारे पास हमेशा एक डाउट रहता है। लेकिन हमने इसको रिजॉल्व करने के लिए एक नया बिजनेस मॉडल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट हमेशा सोर्स के पास जाता है, मे बी वेबसाइट हो सकती है, कोई दुकान हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद हमारा जो बायर है वो टीम से कॉन्टेक्ट करता है और एक टीम को किसी भी प्लान को हायर करता है। उसके बाद टीम उस चीज की क्वालिटी चेक करती है कि आखिर उसको रेट देती है, प्रोडक्ट अच्छा है, बुरा है, कैसा है। उसके बाद उससे बार्गेन भी करती है और पॉसिबल हो अगर बायर चाहे तो उसे डिलीवर भी करवा सकते हैं ताकि वो इंश्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। लेकिन हमारे पास हमेशा टू साइडेड मेंटेनेंस होती है। हमारा बायर प्रोडक्ट मिलने के बाद सेलर को पैसे देगा या नहीं देगा, इसको इंश्योर भी हमारी टीम ही करेगी। इसलिए हमारे पास दो साइडेड कम्युनिकेशन हो रही है ताकि हमारे दोनों साइड्स पर कस्टमर्स सेटिस्फाइड हो। इसलिए हम आखिर में हम ये कह सकते हैं कि हम आखिर में सेटिस्फेक्शन को कंसीडर करते हैं। हमारे बिजनेस मॉडल को हम कंज्यूमर ट्रस्ट कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर एक तरफ, कंज्यूमर एक तरफ, और हम बीच में ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू।